अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। बहुत दिन हो गए थे कोई बात नहीं हुई, और जैसे कि आप जानते हैं आज फ्राइडे है। फ्राइडे के दिन तो हेल्थ की बात करना ज़रूरी होती है, वैसे तो हर दिन ही करनी चाहिए। और जैसे आपको पता है कि अक्टूबर का महीना है, मैंने पिछली अपनी वीडियोस में भी अक्टूबर में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे इसके बारे में बताया, और अभी भी कुछ दिन बाकी हैं अक्टूबर के। वैसे तो पूरा साल कर सकते हैं, लेकिन अक्टूबर के महीने में हर हॉस्पिटल में मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड से बहुत अच्छे डिस्काउंट्स होते हैं। और अगर आप 40 साल से ऊपर हैं, आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, तो अभी भी आपने अगर मैमोग्राम नहीं कराया तो ज़रूर जाके अपनी स्क्रीनिंग कराएं। आज के दिन हमने एक बहुत एक अहम टॉपिक पे बात करेंगे, दांतों की सफाई के बारे में बात करेंगे। स्पेशली बच्चों के साथ और बड़ों के साथ बहुत सारे ऐसे मसाइल पेश आते हैं जो दांतों के हवाले से होते हैं या मसूड़ों के हवाले से होते हैं। क्योंकि जब हम अपने मुंह की बात करते हैं, तो मुंह एक वाहिद हमारे जिस्म का एक वो हिस्सा है जिससे जरासीम दाखिल होने का अंदेशा हो सकता है। और अगर हम अपने दांतों की सफाई नहीं रखते, तो ओवरऑल हमारी सेहत के ऊपर इसका बहुत असर होता है। स्पेशली बचपन से ही ये आदत डालनी चाहिए हमें अपने बच्चों को कि दांतों की सफाई कितनी अहम है, और खाने से पहले या खाने के बाद या रात को सोने से पहले दांतों की सफाई की क्या अहमियत है। क्योंकि जो आजकल की मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में हम देखते हैं कि शायद हम रात को जिस तरह अपने दांतों की सफाई या हर खाने के बाद अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए, वो हम नहीं कर पाते। और फिर वो पॉइंट आता है कि हमारे मुंह में देखा जाता है कि डिफरेंट कैविटीज़ हो गई या दांतों में कीड़ा लग गया। फिर हम देखते हैं कि बहुत सीरियस मसाइल दांतों के हवाले से देखे जाते हैं, और प्रेगनेंसी में भी देखा जाता है कि बहुत सारी माओं के साथ दांतों के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी फ्राइडे को हमारे साथ लियाकत नेशनल हॉस्पिटल की डॉक्टर सना हमारे साथ होंगी। शी इज़ अ डेंटल सर्जन, और उनसे बात करेंगे कि बच्चों की दांतों की हिफाजत, और स्पेशली जब हम अपने बूढ़े लोगों की बात करते हैं, तो उनको किस तरह अपनी दांतों की हिफाजत करनी चाहिए। बहुत सारे मर्ज़ ऐसे हैं, जैसे हम डायबिटीज़ की भी बात करें, तो डायबिटीज़ में भी अपने मसूड़ों और दांतों का ख्याल अलग से रखना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिए, और अंबर रज़ाक का YouTube चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जहाँ से आप हर किस्म की सेहत से मुतालिक और मुख्तलिफ ब्रांड की नॉलेज हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ ही रहिए, और 10 बजे ट्यून करना ना भूलिएगा हॉट FM 105 को।